हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन पॉइंट नंबर 1 में। आज हम बताएंगे आपको कि हमें खोया हुआ आधार अपना कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड किया जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। बताने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे भाई कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले ही उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पे टाइप करते हैं UDAI। इतना टाइप करने के बाद में सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद में थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाने के बाद में उसके ऊपर टच कर देंगे और अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। आप हिंदी चाहें तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश कर सकते हैं। तो हमें इंग्लिश करना है, इंग्लिश के ऊपर टच करना है। उसके बाद में इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसको ऊपर बढ़ाइएगा। बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाने के बाद में यहाँ पे लिखा है डाउनलोड आधार, तो ये डाउनलोड आधार पे हम टच करेंगे यानी क्लिक करेंगे। उसके बाद में इसको भी हम ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड आधार, इसके ऊपर टच करेंगे और यहाँ पे आप आधार नंबर डालना चाहें तो आधार नंबर डाल सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर डालना चाहें तो इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, वोटर आईडी जो भी आप, तो अपना आधार नंबर हम अपना डालेंगे। और कैप्चर कोड डालेंगे, और सेंड OTP के ऊपर टच कर देंगे कि हमारा दोस्तों कैप्चर गलत हो गया है, तो इसको हम फिर से डालेंगे। सेंड OTP, इसके ऊपर टच कर देंगे। अब दोस्तों हम आपके जिस जो नंबर लगा होगा उसी नंबर पे आपके OTP आएगी एक, तो आपको OTP का करना है वेट। या रिसेंट OTP, दोस्तों हमारी OTP आ चुकी है। हम यहाँ पे अपनी OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद में वेरीफाई डाउनलोड पे टच कर देंगे और उसके बाद में देखिए दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा मतलब आधार डाउनलोड हो चुका है। और डाउनलोड होने के बाद में उसको आप कैसे खोलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो नाम है उसके फर्स्ट यानी पहले चार अक्षर कैपिटल लेटर यानी बड़े में आप डालेंगे और अपनी DOB जो लास्ट सन 2000 है, 2011-12 जो भी है आपका, वो आप डालेंगे, तभी आपका आधार ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।